बड़ी कार्रवाई। डॉक्टर कफील के बाद अब डॉक्टर अय्यूब पर लगाया एनएसए। डॉक्टर अय्यूब पर एनएसए क्यों लगा और क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से आपको बताते हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर अय्यूब पर एक विज्ञापन में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा था, जिस वजह से पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उनको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी उनके आवास से हुई थी, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि डॉक्टर अय्यूब पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अय्यूब पर एनएसए के तहत कार्रवाई के बाद लगातार सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि डॉक्टर अय्यूब पर क्यों एनएसए लगाया, क्योंकि उन्होंने विज्ञापन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी है जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कती हों। डॉक्टर अय्यूब की पार्टी के नेता शादाब चौहान ने वीडियो रिलीज करके डॉक्टर अय्यूब पर अपनी बात रखी। क्या कहा डॉक्टर अय्यूब पर शादाब चौहान ने, वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब पर एनएसए की जो कार्रवाई की गई है, ये राजनीतिक द्वेष में बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। अन्यथा पीस पार्टी हमेशा मानवता, न्याय, शांति और भारत के संविधान एवं न्याय व्यवस्था पर संपूर्ण विश्वास रखती है। इसीलिए पीस पार्टी, चाहे सीए का मामला रहा, चाहे कोरोना की गाइडलाइन ईद के मामले को लेकर रहा, या बाबरी मस्जिद में क्रिटी पिटीशन का मामला रहा, हम सिर्फ न्यायिक लड़ाई लड़ते आए हैं। और इसीलिए, क्योंकि समाज में, जनता के बीच में जाकर के सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संवैधानिक संघर्ष पीस पार्टी के लोग कर रहे थे, डॉक्टर अय्यूब साहब मानवता और न्याय के लिए संवैधानिक तरीके से काम कर रहे थे, इसलिए पीस पार्टी ने डॉक्टर अय्यूब साहब की बढ़ती लोकप्रियता से बौखला करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने एनएसए की कार्रवाई की गई है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं एवं पीस पार्टी के कार्यकर्ता हर न्यायिक संघर्ष के लिए, संवैधानिक संघर्ष के लिए तत्पर हैं। हमारा पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था पर विश्वास है और हम हर तरीके की संवैधानिक लड़ाई के लिए पीस पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। लेकिन राजनीतिक दुर्भावना से विपक्ष की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं यही कहूंगा कि आपको अगर हमारी विचारधारा से असहमति है तो जनता पर छोड़ना चाहिए था। और मेरा विश्वास है कि 2022 में जनता इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था डगमगा चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकामी को छिपाने के लिए, कोरोना में तमाम गाइडलाइंस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना करने की नाकामी को छिपाने के लिए डॉक्टर अय्यूब साहब पर यह कार्रवाई करके ये इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी डॉक्टर कफील साहब और दूसरे लोगों पर भी, रामपुर के सांसद जी पे भी राजनीति द्वेष में कार्रवाई की गई है। ये उसी का एक फलस्वरूप है, लेकिन हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संवैधानिक संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपने देखा डॉक्टर अय्यूब की गिरफ्तारी पर शादाब चौहान ने पूरी तरीके से आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उनको बदले की भावना से उन पर कार्रवाई की जा रही है। वैसे आप इस मुद्दे पर और आप इस जानकारी पर क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।